कोर्ट ने ऑर्डर दिया। आश्चर्य है मुझे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बंद का ऐलान किया। ये बंद कोई राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है, ये कोर्ट को भी मालूम है, ये कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। तो हमने ये तय किया कि देश का अटेंशन, प्रधानमंत्री जो यूक्रेन में है, पोलैंड में है, शायद वहां तक हमारा आवाज जाएगा। प्रधानमंत्री यहां कहां है? गृहमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री यूक्रेन, पोलैंड, रशिया, हाँ, वहां के जो समस्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी महाराष्ट्र की माँ बहनें, बच्चिया, माता, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो शायद पोलैंड तक जाएगा हमारा आवाज। इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी। लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन को मान्यता है, कोई हमारा आवाज दबा नहीं सकता, चाहे मोर्चा हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अनशन हो, चाहे बंद हो। लेकिन कोर्ट ने, कोई एक पिटिशनर जाता है, हाँ, जो इस सरकार का बहुत लाडला पिटिशनर है, जब भी सरकार संकट में आती है तो इस लाडले को भेज देते हैं पिटिशनर, और कोर्ट हमें निर्णय देता है कि आप बंद मत करो, आप ये मत करो, ये मत। ठीक है, कोर्ट का आदेश है, हमारी परंपरा है कोर्ट का आदेश मानने के लिए, लेकिन फिर भी बंद हमने पीछे लिया है कोर्ट का सम्मान रखते हुए। लेकिन हम आंदोलन करेंगे। आज 11 बजे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, तीनों पार्टी के नेता बाहर आएंगे, सड़क पर आएंगे, मुंह पर काली पट्टी बांधेंगे, हमारा आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, और हम आंदोलन करेंगे। उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना चीफ, आज खुद शिवसेना भवन के सामने आंदोलन में शामिल होंगे। सर, आपने एक और मामले में कहा कि हमें तारीख पे तारीख दी जा रही है कोर्ट में। देखिए, वो भी हमारी 3 साल से सुनवाई कोर्ट में चल रही है, 3 साल से। महाराष्ट्र में एक गैर कानूनी सरकार चल रही है, हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और कोर्ट हमें कहता है कि हमारा बंद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सरकार राज्य में चल रही है, हम कहते हैं दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और हमें कोर्ट कहते हैं कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बंद का ऐलान कर रहे हो, तो हम किसकी बात सुने? वो सरकार के बारे में कोई निर्णय नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन यहां तो 24 घंटे में हमारा बंद का सुपड़ा साफ कर दिया, फिर भी हम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू।